नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एप्सन प्रिंटर में इंक को कैसे रिफिल करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों हमारे पास ये एप्सन का एक प्रिंटर है L210। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें आप इंक कैसे रिफ़िल करेंगे। दोस्तों आपके पास कोई भी एप्सन का प्रिंटर हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो रिफिलिंग की प्रक्रिया वो सभी में सेम है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप बहुत ही आसानी से अपने एप्सन प्रिंटर में इंक बहुत ही आसानी से रिफ़िल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो हमारे पास प्रिंटर है इसका इंक लेवल क्या है। देखिए दोस्तों सभी प्रिंटर में इसमें चार कलर होते हैं। देखिए सबसे पहले पर लिखा हुआ है सी, दूसरे पर एम, फिर उसके बाद वाई, उसके बाद बी के। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें चार कलर है, लेकिन तीन कलर इनमें से दोस्तों जो इसका मिनिमम होता है उसके ऊपर जा चुके हैं, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड और ये फोर्थ। इसलिए दोस्तों हमें इन्हें रिफ़िल करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे रिफ़िल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने प्रिंटर को यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा इसे ऐसे रखेंगे, अगर दोस्तों आप इसे कहीं ले जा रहे हैं तो आप हमेशा इसे घुमा करके उल्टी साइड कर देंगे, जिससे कि दोस्तों इसकी इंक है जो वो निकले ना। मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि ये जो टैंक खाली हो चुका है हम इसे कैसे रिफ़िल करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसके लिए इंक लेना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक है और ये यहाँ पर ये ब्लू है जो कि सी यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों जो कलर होते हैं इनके ऊपर इसका यहाँ पर मार्क होता है, जैसे सी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर सी है। अगर दोस्तों जिस बोतल पर जो भी इसका मार्क है यहाँ पर जो है उसी हिसाब से आपको डालना है। अगर आप इसमें गलत तरीके से इंक डाल देंगे तो इसका जो टैंक है ये इंक टैंक है ये ख़राब हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें वाई लिखा हुआ है और ये इसके लिए है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसे रिफ़िल करते हैं। रिफ़िल करने के लिए हम सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको इसे आराम से यहाँ से निकाल लेना है ऐसे। आप इसे ऐसे रखने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले हमारी जो कलर की बोतल है इन्हें खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसके बाद एम, वाई और बी के। दोस्तों आपको जो भी इंक डालनी है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे इससे मिला लेना है। इसी के बाद दोस्तों आपको इंक अपने प्रिंटर के ड्रम में डालनी है। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो येलो है ये इंक डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर वाई लिखा हुआ है और इसके ऊपर भी, तो हम इसे आराम से इसे खोलेंगे यहाँ से और उसके बाद यहाँ से इसे ऐसे इसमें डाल देंगे। दोस्तों आपको इसमें इतना ही इंक डालना है जितना इसमें आएगा, अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो बाहर निकल जाएगी इंक, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी इसमें इंक आएगी आपको उतनी ही इंक इसमें डालनी है। दोस्तों आप आराम आराम से इसमें जितनी भी इंक आएगी आपको डाल देना है। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पर इसका जो टैंक है इंक का वे येलो का वो भर चुका है और इसमें थोड़ी इंक बच गई है, इसलिए दोस्तों हमें इसे बंद कर देना है यहाँ से। और इसके जो साथ में एक आपको इसमें बंद करने के लिए इसकी एक ऊपर आपको कैप मिलेगी, इसे आपको इसे बंद कर देना है। जब आपकी इसमें टैंक में इंक कम होगी तो आप इसे जो बची हुई इंक है इसे डाल सकते हैं। मैं दोस्तों इसमें जो ब्लैक इंक है वो डालने वाला हूँ। अब दोस्तों हमें ब्लैक इंक डालना है, तो जिस पर बी के लिखा हुआ है यहाँ पर और इसके ऊपर भी बी के लिखा हुआ है, इसकी कैप को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों बहुत ही सावधानी से
इसमें जो ब्लैक इंक है डाल देते हैं। तो आपको इस सीसी को थोड़ा थोड़ा दबाना है जिससे कि इंक बाहर निकलती रहेगी। इंक डालने के बाद दोस्तों आपको इसमें इसे कैप को वापस बंद कर देना है। अब इसे हम इसे वापस बंद कर देते हैं। इसे आपको ऐसे उठा करके वापस देखिए दोस्तों ऐसे बंद कर। ये इंक रिफिल होने के बाद ड्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी फुल हो चुकी है। ये जो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे, इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी इंक बची हुई है, इसलिए मैंने इसमें डाली नहीं है। ये तीन ही इंक कम हुई थी इसलिए इनमें डाल दिया। इस प्रकार दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने एप्सन प्रिंटर में इंक रिफिल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।